नमस्कार, एक्सोटिक वेब मीडिया में आप सभी दर्शक का स्वागत करती हूँ। आज के हमारे लाइव कार्यक्रम में यहाँ पे उपस्थित है संस्कार भारती स्कूल के इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स जो टॉपर्स है 10th स्टैंडर्ड में, ध्रुवी शाह। ध्रुवी, आपका स्वागत करती हूँ हमारे स्टूडियो में, और हमारे साथ उनकी मामा भी यहाँ पे उपस्थित है, आपका भी मैं स्वागत करती हूँ। आप ध्रुवी, आपने बहुत ही अच्छा रिजल्ट प्राप्त किया है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको कैसे फील हो रहा है? जो एक्सपेक्ट किया था वो हो गया। और श्योर आपने एक्सपेक्ट किया था, ऐसा ही हुआ है कि कुछ इधर उधर हुआ है? मैथ्स में हो गया। एक्चुअली मैथ्स में मैंने कुछ ज्यादा मार्क्स एक्सपेक्ट किए थे उससे। जी, एक पेशेंट था, उसने फॉर्मूला गुजरात बोर्ड का दिया था NCERT के सिफारिश से, उसमें थोड़ा जी मतलब एक ही में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, बाकी आपने जितना एक्सपेक्ट किया था उतना आपको रिजल्ट मिला है। तो आप कैसे ये स्टडीज आपने कैसे की जो इतने अच्छे आपके A1 ग्रेड आया आपका? रेगुलर 2 आवर स्टडी करने का, और जितना होमवर्क थे वो बराबर सब मीन्स रट्टा नहीं मारने का, और जितने आप डाउट्स ज़्यादा पूछोगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है। हम लोग इतने डाउट्स पूछते थे सर टीचर का, मतलब सर खा जाओ आपका पढ़ाई के अलावा क्या शौक है, क्या मतलब है? भरतनाट्यम डांस। ओके, भरतनाट्यम आपका ड्रॉइंग्स जी, एंड ड्रॉइंग्स में आप मास्टर है? बिल्कुल, अच्छी बात है। और आपकी मम्मा भी आपके साथ है, तो आपकी मम्मा का सपोर्ट आपको कैसा रहा? शी यूज्ड टू सपोर्ट मी ईच एंड एवरी मोमेंट, बट इन ऐसे स्पेशल हर वर्क वेरी वरी जी टिल 12th शी आल्सो नेवर स्लेप्ट एंड हेल्प मी अ लॉट। वेरी नाइस। आप कैसे, आप क्या करती हैं मैडम? एक्चुअली मैं अभी तो मैं हाउसवाइफ ही हूँ। मैंने 15 इयर्स जॉब किया है एज अ टीचर एंड MSc BEd। ओह गुड, अच्छा, इसीलिए आपकी बेटी को आप खुद भी पढ़ा सकती है शायद। जी, पर अभी क्या ऐसा है कि भी न्यू कल्चर है, तो बाहर ही जैसे जाएंगे तो अच्छी पढ़ाई हो सकती है, ऐसे पेरेंट्स के साथ इतना अच्छा नहीं हो सकता। जी, बहुत ही अच्छी बात है। तो आपका सपोर्ट इनको कैसा रहा, मतलब आप कितना ख्याल रखती थी आपकी बेटी का? रखती थी, ख्याल तो रखती थी, पर ज्यादातर तो वो अपने आप खुद कर लेती थी सब। यही बात है, पेरेंट्स ख्याल रखते तो है ही, मतलब अगर ख्याल नहीं रखते हैं फिर भी जो स्टूडेंट्स कैपेबल है, जो पढ़ाई में अच्छी है, वो अपने आप ही अच्छे परसेंटेज ला सकती है। वो आप हमारे जो देख रहे हैं अभी यहाँ पे दर्शक और विद्यार्थी, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप एंटरटेनमेंट जितना भी करो, मूवीज भी देखने जाओ, लेकिन उसके साथ रेगुलर स्टडीज करो, जितना होमवर्क दे वो पेंडिंग नहीं रखो, आपको जितना स्कूल क्लासेस में करवाए उतना कम्प्लीट कर दो वो ही दिन, तो आपका कभी लेफ्ट भी नहीं होगा, और आपको 10th में बाद में ऐसा भी नहीं लगेगा ज़्यादा लोड के लास्ट मोमेंट पे कि अब कुछ ज़्यादा ही मुझे पढ़ना है। जी, अभी आपका आगे क्या फ्यूचर, मतलब आगे क्या करने का प्लान है? न्यूरोलॉजी करने का प्लान है। वाह गुड, मतलब स्कूल्स में तो हो नहीं सकता है, मतलब बायोलॉजी मींस आफ्टर 12th मेडिकल में जाने की इच्छा है। जी, बहुत ही बढ़िया, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप और आगे बढ़िए और आगे अच्छे से अपने पेरेंट्स का भी नाम रोशन कीजिए और अपने स्कूल का भी नाम रोशन कीजिए। थैंक यू सो मच, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।